We are describing here um, the set of natural numbers, the set of whole numbers, the set of integers. T mm -hmm. okay. your yeah, counting numbers ka set hai Aap ish Define hai. In exercise number one, we will start with the question: write the following sets in descriptive form. Firstly, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एक्चुअली क्या होती है लाइक वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग डिस्क्रिप्टिव वर्ड से ही समझ आ रहा है कि आपने किसी भी चीज़ को क्या करना है डिस्क्राइब करना है लाइक यू हैव टू डिस्क्राइब दिस इन वर्ड फॉर्म्स ठीक है लाइक इन स्टेटमेंट फॉर्म जैसे आपके पास इस क्वेश्चन नंबर वन में क्या क्या है ए इज़ इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू ठीक है आपको पता है ये आपके पास सेट ऑफ वॉवल्स नंबर है इसलिए हम इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आप कहेंगे ये आपके पास क्या है सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स ठीक है सेम एज इट इज़ इन क्वेश्चन नंबर टू व्हाट वी हैव बी में आपको वैल्यूज गिवन है थ्री सिक्स नाइन एंड ट्वेल्व सेट आपको पता है किस तरीके से गिवन होता है आपके पास साइड पे ब्रैकेट्स मेंशन होते हैं द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थ्री आपके पास थ्री का टेबल है आप ये भी डिस्क्राइब कर सकते हैं द टेबल ऑफ थ्री बट ये इनफाइनाइट सेट है इनफाइनाइट फाइनाइट मीन्स टू से यहाँ पर आपके पास डॉट्स लगे हुए हैं डॉट्स का मतलब ये सेट खत्म नहीं हो रहा है ठीक है नाउ इन थर्ड क्वेश्चन वर्ड वी हैव आपके पास सी इज़ इक्वल्स टू एस पी आर आई एन जी लेटर्स आपको क्या बनाया तो ये क्या है द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्प्रिंग ठीक है डी में भी आपके पास इसी तरीके से ए बी सी अपू सो ऑन जी तक है आपके पास तो सेट ऑफ़ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आपको पता है अल्फाबैट्स ए टू जी होते हैं तो उन्होंने सिम्पली ये मैंशन करने के बजाय कि सेट ए से जी पे एंड हो रहे हैं उन्होंने डायरेक्टली मैंशन कर दिया कि आपके पास द सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश नाउ इन क्वेश्चन नंबर फाइव ई आपके पास क्या गिवन है सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं ठीक है फ्रॉम सिक्स टू टेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या uh, है एफ इज इक्वस टू जीरो कॉमा प्लस माइनस वन देन प्लस माइनस टू आपको पता है कि इंटीजर्स एक वाहि सेट होता है जिसके अंदर आपके पास पॉजिटिव में भी नंबर आ रहे होते तो हैं और नेगेटिव में भी आ रहे होते हैं जब आपके पास किसी भी वैल्यू के साथ प्लस या माइनस साइन एज इट इज़ मतलब इकट्ठा आ जाए तो इसका मतलब है कि माइनस वैल्यू भी उसमें इंक्लूड हो रही है और आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी इंक्लूड हो रही है तो आपके पास क्या हो जाता है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन माइनस थ्री टू थ्री फिर आपके पास क्या है जी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन थ्री तो ये आपके पास कौन सा सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन थ्री सेम एज इट इज आपके पास नेक्स्ट जो सेट गिवन है वो नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन नाइन्टी नाइन के इन क्वेश्चन नंबर टू वट वी हैव राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म टेबुलर फॉर्म का मतलब है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का ऑपोजिट फॉर्म जैसे आपको पहले सेट की फॉर्म में गिवन थे आपने उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया यानी स्टेटमेंट फॉर्म में अब आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन होंगे आपने इन्हें सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सेट की फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी साइड्स पर ब्रैकेट लगती हैं और जिसके साथ आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लाइक आपको डिस्क्राइब करना है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है वहाँ हम उसके साइड पर ब्रैकेट मेंशन नहीं करते हैं अब आपके पास ए आपके पास क्या गिवन है द सेट ऑफ वर्ड हॉकिंग अब आप क्या करेंगे सी से सेट की फॉर्म में लिखेंगे और एच ओ सी के ई वाई सेपरेट कर देंगे हर वर्ड को विद कॉमा से ठीक है नेक्स्ट आपके पास क्या है द टू कलर्स इन द रेनबो कलर्स ऑफ रेनबो आपके पास बहुत सारे होते हैं उनमें से आप कोई भी टू चूज करके लिख सकते हैं ठीक है नाउ इन थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या है द नंबर लेस देन एटीन डिविजिबल बाय थ्री आपने एट से एटीन से लेस हर वो नंबर लिखना है जो डिविजिबल होगा थ्री से ठीक है फिर आपके पास नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है मल्टीपल्स ऑफ फाइव लेस देन थर्टी आपने फाइव के मल्टीपल्स लिखना है लेकिन लेस देन थर्टी यानी कि थर्टी से लेस लिखना है तो आपने थर्टी वाला नंबर नहीं लिखना ठीक है उसके बाद आपके पास ई एक सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन फाइव यानी फाइव से ग्रेटर सारे तो नंबर आपके पास रहने गए सिक्स सेवन एट नाइन एंड टू तो सॉन नेक्स्ट आपके पास क्या है एक्स एक सच दैट एक्स बिलोंग्स टू तो जी एंड माइनस सेवन इज़ लेस देन एक्स इज लेस देन माइनस वन ठीक है यानी माइनस सेवन इंक्लूड नहीं हो रहा क्यों क्योंकि आपके पास लेस देन का साइन मौजूद है लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं मौजूद है ठीक है तो आपने माइनस सिक्स से लेके माइनस टू तक के सारे नंबर्स इंक्लूड कर दिए एंड क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन टू आप लोगों ने प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क इन कमेंट्स